हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए नोट मेकिंग समरी राइटिंग जो कि क्लास 12 में डिटेल 8 मार्क्स का आता है, बट आप लोग को अभी 8 मार्क्स की आवश्यकता है नहीं, आप लोग को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। अभी क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसी को देखेंगे, बाकी हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, फिर उसके बाद MCQ का प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग MCQ कर लेंगे, काम हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो नोट मेकिंग समरी राइटिंग क्या होते हैं? तो नोट मेकिंग, तो बात को समझोगे, नोट नोट बनाना, नोट तो हर एक स्टूडेंट बनाता है, तो वही सिंपल सा काम रहता है नोट बनाने के लिए। ठीक है, और समरी राइटिंग भी, जो नोट्स बनाए बहुत सारे, बहुत बड़ा एक दिया रहेगा आपको आर्टिकल, उस आर्टिकल से पॉइंट वाइज में नोट्स बनाना है, और एक दिखाते हैं एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, और उसी जो नोट बनाए तो उसी नोट्स को क्या करना है, समरी के रूप में लिख देना रहता है, बहुत ही सिंपल रहता है। कुछ कुछ कीवर्ड के यूज़ करने होते हैं, जो कि कीवर्ड बनाने का ट्रिक होता है, तो सब आगे बताएंगे कभी। ठीक है, तो और कुछ कुछ यूनिवर्सल रहते हैं तो सबको यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, एब्रिविएशन वगैरह, तो आपको तो ना ही यूज़ करना है, ना ही आपको समरी बनाना है। आपको क्या करना है, आपको नोट भी नहीं बनाना है, बस आपको जानना है क्या नियम है, कैसे कैसे क्या होते हैं नियम, रूल, कानून, जिससे कि आपका MCQ बनेगा, और आपको फिर MCQ का प्रैक्टिस भी कर लेना है। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हुआ, अब राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद अपना मॉडल जो भेज दिए उसका पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। कम से कम सारे मॉडल को पढ़ लेना जितना मैं भेज दिया हूँ। देखिए, नोट मेकिंग जो इसका कंटेंट है, टाइटल लिखिएगा तो उसमें एक नंबर मिल जाता था। ठीक है ना, नंबरिंग वगैरह दीजिएगा तो उसमें एक मिलता था। ठीक है, ग्लोसरी कीवर्ड में एक है, और नोट बनाएगा तो 2 नंबर, यानी ओवरऑल कहिएगा तो आपका 8 मार्क्स क्या आता है याद रखिएगा। ठीक है ना, 3 नंबर आपको मिलेगा किसमें, समरी लिखने में, जो 50 वर्ड में लिख रहा था। तो क्लास 12 में आपको करना होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा जानेंगे कैसे कैसे क्या होगा, तो 11th में कुछ बेसिक कर लीजिए ताकि 12 आपके लिए आसान हो जाए। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नोट मेकिंग फॉर क्लास 12। ठीक है, देखिए क्या करना होगा आपसे, यही सब पॉइंट्स से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपके लिए क्या है, रामबाण है। द टाइटल शुड बी वेरी शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट टू द रिवेल द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। क्या बोले कि पैसेज दिया रहेगा, उसी पैसेज से आपको टाइटल वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ बनाना रहता है। ठीक है, तो अब दिखाएंगे फॉर्मेट कैसे बनता है। तो हो गया, टाइटल आपको क्या होना चाहिए, एक शॉर्ट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट एकदम सही से होना चाहिए। ठीक है ना, टू रिवेल द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ जो टाइटल आप लिखे वो आइडिया से मिल रहा है, छोटा सा होना चाहिए, सही। चलिए, अवॉइडिंग द यूजिंग ए फुल सेंटेंस, फुल सेंटेंस कभी नहीं लिखना है, इसीलिए आपको फ्रेज पढ़ा दिया गया कि फ्रेज क्या होते हैं, इसीलिए आपको बता दिया कि से क्या बोलते हैं, क्लाउज क्या होते हैं। ठीक है ना, सेंटेंस क्या होते हैं सब कुछ बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, उसका वीडियो अलग से डाल दिए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बचना है फुल सेंटेंस लिखने से। ठीक है ना, और उसके बाद आपका क्या होता है, यूज ओनली फ्रेजेस, केवल फ्रेज के रूप में, केवल पॉइंट वाइज, बस पॉइंट उठाएंगे, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, कुछ लाइन उठाओ उस लाइन में से, यहाँ से उठा कर दो लाइन लिख दी खट खट के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ओनली फ्रेजेस पूछेगा कि कैसे लिखते हैं, तो केवल फ्रेज के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, पिछले बार फाइनल एग्जाम दिया था, ऑब्जेक्टिव से हम लोग गलत कर दिए थे। ठीक है, हम लोग मार दिए थे क्लाउज, तो क्लाउज नहीं, फ्रेजेस। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्लाउज बेटा से फुल सेंटेंस आपको नहीं डालना है। ठीक है ना, लेकिन क्लाउज वो फ्रेज में रहेगा तो आपको फ्रेज मारना है, दोनों रहेगा तो दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन क्लाउज में चांस कम रहता है, क्योंकि क्लाउज तो आपको फुल सेंटेंस भी होने का चांस रहता है, इसीलिए क्लाउज से कम रहता है। फ्रेज आपको पॉइंट वाइज छोटा छोटा करना है, फ्रेज में कोई सेंस नहीं मिलता है उससे, क्या है। चलिए, यू आर द सपोज टू यूज द प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर नोट मेकिंग, नोट मेकिंग का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है तो वैसे ही आपको करना है। प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है अभी जस्ट दिखा देंगे। सब पॉइंट में और मे नोट हैव बीन एडिशनल पॉइंट, अब सब पॉइंट का कुछ एडिशनल पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो पहले सब पॉइंट क्या है वो जान लीजिए, उसके बाद उसके अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट भी रहते हैं तो उसको भी जान लीजिएगा, तभी समझ में आएगा, तो ऐसा आपको नीचे समझ में आएगा भी नहीं आएगा। चलिए, यूज थ्री टू फोर अंडरस्टेबल एब्रिविएशन, एब्रिविएशन का यूज करना होता है, 3 से 4 करिए, 5 से 7, कम से कम 3 करना है, 3 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एब्रिविएशन बनाते हैं ताकि छोटा हो जाए, बड़ा बड़ा लाइन ना हो। इसके बाद एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आप लिखे होंगे सारे को एक्सप्लेन करना होगा, कैसे, समरी के रूप में आगे चल के। ठीक है ना, और जो एब्रिविएशन का यूज किए होंगे तो उसको भी एक्सप्लेन करना होगा, तो उसी को यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी आप पॉइंट लिखे हैं एब्रिविएशन के रूप में, कीवर्ड डालें तो सब कीवर्ड को एक्सप्लेन करना रहता है बॉक्स बनाकर। ठीक है, और एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स इन द पैराग्राफ, और वही पैराग्राफ में समरी बनाइएगा तब, तो दोनों को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, जो पॉइंट बना उसको पैराग्राफ में समरी में लिख दीजिए। चलिए, एब्रिविएशन का वो तो बताएंगे आगे चल के। मेक द अंडरस्टेबल नोट्स, फिर उसके बाद एक समझने योग्य नोट बनाना है आपको। ठीक है, उसी में एक्सप्लेन करिएगा ना, एंड राइट ए समरी
इफ इट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन, वही फिर समरी कहेगा तो समरी तो आपको डालना ही होगा, क्योंकि समरी बनाइएगा तो आपका 3 नंबर मिलेगा, नोट बनाइएगा तो सारे में 5 नंबर मिलेगा, 5 होते हैं 8 होते हैं। जैसे कि आप देख रहे नोट मेकिंग सोल पैसेज क्लास 2 नोट मेकिंग चेकलिस्ट क्या क्या है, शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट टाइटल जो अभी हम लोग देख चुके हैं होगा ही होगा, एवॉइडिंग द यूजिंग ए फुल सेंटेंसेस हो गया, यूज ओनली फ्रेज एकदम ठीक है, यूज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ठीक है, यूज़ द स्ट्रक्चर दिखाएंगे कैसे होता है, यूज़ द 3 एब्रिविएशन कम से कम डालना ही है, एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, इसी पॉइंट के बाद हम बोल रहे हैं एब्रिविएशन वाले पॉइंट को, मेक अंडरस्टेबल नोट, फिर नोट आपको बनाना है ठीक है। चलिए तो देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सप्लेन द ऑल द पॉइंट्स में एब्रिविएशन को तो एक्सप्लेन करना ही है, उसके बाद सारे जो पॉइंट लिखे तो उसको फिर समरी में एक्सप्लेन करिएगा ठीक है। तो बहुत कुछ हो गया, आप देखिए हेडिंग तब जाकर समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले समरी पढ़ें आप डिटेल में, पढ़ने के बाद आप हेडिंग डाल दीजिएगा, जो हेडिंग कैसे निकालिएगा, जो बार बार रिपीट करता है, जो लगता है कि नहीं ये रिपीट कर रहा है, मेन आइडिया उसके अंदर रिवॉल्व करता है उसी के आसपास में ठीक है ना, तो आप हेडिंग निकालनी है हम लोग। उसके बाद आपको पॉइंट वाइज पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी ऐसे कर उसमें से, वही कह रहा था कि सब पॉइंट के अंदर सब पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हो भी सकता है सब पॉइंट और नहीं भी हो सकता है, बात को समझ गए, तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब पॉइंट किसके अंदर सब पॉइंट नहीं है, इसके अंदर है तो रह भी सकता नहीं भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब कौन सा पॉइंट लिखें कौन छोड़ेंगे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई भी आप पॉइंट उठाइए वहाँ से लिख दीजिए ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है ठीक है। फिर वैसे ही चलेंगे सेकंड पैराग्राफ में, तो सेकंड में ऐसे करके छाड़ देंगे ठीक है ना, तो पॉइंट वाइज आपको डालना है ठीक है, ऐसा पॉइंट वाइज इसी पॉइंट को एक्सप्लेन लास्ट में करेंगे ठीक है ना। फिर आपको एब्रिविएशन का यूज भी करना है, एब्रिविएशन आपका वर्ल्ड लेवल रहता है, कुछ कुछ नहीं आपको बनाने के लिए बताएंगे कैसे बनाया जाता है, तो वो सब बताया जाएगा आगे चल के ठीक है। जियो भी, तो जियो भी टी भी को यूज करता है, तो अलग अलग तरीका है बनाने का, अलग अलग तरीका से यूज़ किया जाता है, कुछ ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन का INF, अब INFM शॉर्ट को ऐसे भी है ठीक है, इन्फो डॉट, तो ये सब शॉर्ट में हम लोग कीवर्ड आप लोग डाल देते हैं ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है तो हम लोग उसी का यूज करते हैं ठीक है, जैसे कि LTD ठीक है। तो LTD जो है कि कैसे हम लोग लिमिटेड LT ऐसे डॉट करिए LT डॉट, तो कुछ कुछ फेमस है तो उसको वही हम लोग डालते हैं, तो आपको डालना है नहीं बजानी कैब्रिवेशन का यूज़ किया जाता है। चलिए देखिए इस टाइप से रहेगा, पैसेज दिया रहेगा, सारे को डिटेल में पढ़ना रहेगा, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा, सारे को डिटेल में पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद यहाँ से मिल जाएगा आपको बनाना, तो बनाना तो है नहीं तो आप इसको इग्नोर करिए। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए बनाए थे तो वही लगा दिए हैं कि टाइटल होलीडे डाल दिए, हमें पढ़े अच्छा लगा, और सारे से पॉइंट निकाले, पॉइंट पॉइंट स्कूल यूनिवर्सिटी पेरेंट्स देखिए ये भी इस पॉइंट के अंदर सब पॉइंट डाल दिया। अब केवल इसे दिखा दे रहे आपको बनाना करना है नहीं ठीक है, ऐसे कर करके हम लोग लाइन छोटा छोटा पॉइंट पॉइंट वाइज सारे को समरी टाइप से बना दिए ठीक है। तो जब ये बन जाएगा सारे पॉइंट वाइज, अब कुछ कुछ हम लोग एब्रिविएशन का यूज़ किए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर कोई वर्ड किए हैं TWPR डॉट, तो कुछ हम लोग डिटेल में तो किया नहीं है, तो सारे जितने भी एब्रिविएशन का यूज़ किया होलीडे को हम शॉर्ट में HOL लिख दिया, HOL डॉट ऐसे करके सब डॉट लगा दिए हैं, तो आपका यहाँ पे सारे को एक्सप्लेन कर दिया, कीवर्ड को एक बॉक्स में आपको एक्सप्लेन कर देना होगा ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको समरी लिख देना होगा, समरी में क्या करेंगे जो भी पॉइंट आप बनाए हैं तो सारे पॉइंट को ऐड करके होलीडे नीड्स फॉर एवरीवन ऑल द स्टूडेंट, सारे जो पॉइंट हम लिखे यहाँ पर जो पॉइंट नोट बनाए तो सारे नोट को मिलाकर, फिर आपको पुराना समरी नहीं देखना है, आपका अपना समरी लिख दीजिए जो आपका समझ में आएगा ठीक है। यही था फिर आपको होमवर्क, तो ये सब क्लास 12 के लिए करवाए थे तो सब बता दिए। अब चलिए आप लोग के लिए जो MCQ जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। चलिए लाइव टेस्ट एफ्ट 7 PM में सब, तो उन लोग का था तो टेस्ट आप तो देना नहीं चाह रहे हैं। चलिए अगर आप आज रुक जाते हैं तो आपका आज तक का सारा संघर्ष बर्बाद हो जाएगा, तो रुकना नहीं है अभी तो 12 भरा और मेहनत करना, हार्डवर्क करना है ताकि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हम लोग क्या कर सकें, गेन कर सकें ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट, और अब हम लोग डिटेल अब पढ़ लिए तो हम लोग को किसी से नहीं पूछने की आवश्यकता है और नहीं हम लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता, सारा का सारा आंसर हम लोग को बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्योंकि डिटेल अब पढ़ लिए हम लोग। चलिए समरी शुड कंटेन, समरी में क्या होना चाहिए, ग्लोजरी कीवर्ड एब्रिविएशन या डेट। तो जब समरी बनाइएगा तो समरी बनाइएगा तो मेन पॉइंट को लिखिएगा, तो मेन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, कीवर्ड्स बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ग्लोजरी क्या होता है, ग्लोजरी तो आपका वर्ड मीनिंग हो गया ठीक है, शब्द समूह, इसका एब्रिविएशन तो हम लोग नोट बनाते समय यूज़ करते हैं ठीक है, उसमें नहीं करेंगे समरी में, डेट तो डेट का तो कोई यहाँ पर है नहीं। चलिए इसके बाद सेकंड सवाल आपके सामने है, चलिए करा कभी राइटिंग ए नोट ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड, जब नोट बनाते हैं तो कौन सा हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि पूरा फ्री यूज कर सकते हो, कोई आपको वहाँ पर रोक नहीं है यूज करने में, तो क्या होंगे एब्रिविएशंस ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट होगा। अभी हम लोग देखे थे कि एब्रिविएशन का यूज हम लोग करते हैं, चलिए इसीलिए बोलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा ना तो कहीं से भी सवाल रहेगा तो बन जाएगा
चलिए इसके बाद हाउ डू यू बिगिन मेकिंग नोट्स। अब मैं उसी पर फोकस करता हूँ कि सर सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। हाउ डू वी बिगिन मेकिंग नोट्स, हम लोग नोट्स बनाना कैसे शुरुआत करते हैं। तो टेक्स्ट टाइप टाइटल या फिर सब टाइटल, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग टाइटल लिखेंगे, ठीक है। चलिए नोट मेकिंग इज डिवाइडेड इन टू नोट एंड समरी। तो नोट मेकिंग और नोट और समरी में बांटेंगे क्या करें, एब्रिविएशन बॉक्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये करेक्ट होगा। नोट मेकिंग और नोट और समरी में नहीं बांटते हैं हम लोग, पैसेज को नोट बनाएंगे और उसके बाद समरी बनाएंगे अलग अलग। नोट मेकिंग तो केवल नोट मेकिंग हो गया, तो एब्रिविएशन को हम लोग एब्रिविएशन बॉक्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है ना, किस में, नोट मेकिंग में। चलिए नोट मेकिंग कंटेन शॉर्ट फ्रेजेज रेदर देन फुल सेंटेंसेस, बिल्कुल सही बात है, उसमें लोग शॉर्ट फ्रेज का यूज करते हैं ना कि पूरा सेंटेंस लिखे, तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा, ठीक है। चलिए रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशन इंक्लूड, तो पहचानने योग्य जो एब्रिविएशन रहेंगे संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म रहते हैं, तो इंक्लूड क्या रहेंगे, सैम्बुल एक्रोनेम्स शॉर्ट फॉर्म एंड कॉन्ट्रैक्शन या फिर ऑल ऑफ द एबव, तो सारे के सारे आपका एब्रिविएशन के रूप में आता है, ठीक है ना। एक्रोनेम्स में क्या, जैसे मान ली CBSE, तो CBSE क्या हो गया, एक्रोनेम्स हो गया, है ना, CBSE, तो ये सब जो रहता है ना, जैसे जैक CBSE, ठीक है, जैक है JSE, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका हो गया एक्रोनेम्स। चलिए और सैम्बल तो जानते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे सैम्बल रहते हैं, ग्रेटर देन लेस देन पढ़े सब ना। चलिए विच ऑफ द एब्रिविएशन इज यूनिसेफ इज एग्जाम्पल ऑफ, बताइए अब कि कौन सा एब्रिविएशन का एग्जाम्पल है, एंटोनेम्स एक्रोनेम्स कॉन्ट्रैक्शन या फिर नन ऑफ द एबव। तो अभी जस्ट बताए थे कि जैक हो गया, CBSE हो गया, यूनिसेफ हो गया, ठीक है ना, फिर वर्ल्ड बैंक का क्या था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, तो इस टाइप से फुल फॉर्म वाले एक्रोनेम्स होते हैं। चलिए एब्रिविएशन इन नोट मेकिंग रेंज, एब्रिविएशन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है बताइए, तो यहाँ पे अप्रोक्स आप 5 से 8 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, नोट मेकिंग में किसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो एब्रिविएशन का करेंगे, कीवर्ड टाइटल डेट, तो किसका करेंगे हम लोग, डेट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, समरी राइटिंग का पार्ट कौन नहीं होगा, यूजिंग ऑन वर्ड तो हम लोग डाल ही सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट वही उठा के डाल, ये आपका नहीं होगा, इंक्लूडिंग द मेन आइडिया ओनली तो हो ही सकता है, समरी बिंग शॉर्टर देन टेक्स्ट, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, समरी राइटिंग पार्ट पूरा वर्ड उठाए वही डाल, नहीं आपको क्या करना होगा, जो नोट बनाया है नोट, तो नोट को फिर मिला के अपने लैंग्वेज में दिस दैट डिज करके लिखना होता है, तो एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट डालना पार्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए इंट्रैक्शन, और इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछता है एग्जाम में हमेशा। चलिए क्या है आइडेंटेशन, ठीक है, फॉर्मेट इज यूज्ड इन नोट मेकिंग, आइडेंटेशन फॉर्मेट वही जो बनाएंगे, क्लियर कट सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर मतलब ट्रू होना चाहिए, सही बात है, ठीक है। और इसके व्हाट इज द परसेंटेज शुड कंटेन इन योर इनक्लूड योर नोट्स, आपके नोट्स में कितना परसेंट क्या होना चाहिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ कंटेंट शुड यू इंक्लूड इन योर नोट, जब नोट बनाइएगा तो कितना परसेंट उसमें होना चाहिए, तो अप्रोक्स कितना रखिएगा, तो 30% अप्रोक्स आप रख सकते हैं, जो पैसे से नोट बनाइएगा तो 30% यानी कि 1/3 होता है ना, 1/3, तो 1/3 कितना तेजी, तो 30 यहाँ पर है तो ठीक है, ठीक है, यानी कि जो समरी है तो उसका नोट में हम लोग इतना ही डालेंगे। चलिए इन द नोट मेकिंग नोट आर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, नोट वही नोट बनाएंगे तो सारा तो लिखे इन नोट मेकिंग, क्योंकि समरी तो वही नोट का समरी ही बनाएंगे, हाँ ठीक है, दोनों में 30 जाएगा। इन नोट मेकिंग नोट आर द नोट रिटन इन, अब बताइए यहाँ पे आ गया ना, सब कुछ आ गया, जैसे कि अब कह रहा है नोट मेकिंग में नोट्स आर नोट रिटन, याद रखिएगा, नहीं लिखेंगे किस में, फ्रेजेज में, आइटम्स में, पॉइंट्स में या फिर सेंटेंसेस में, तो सेंटेंसेस में नहीं लिखते हैं, मुहावरा लगा सकते हैं, पॉइंट डाल सकते हैं, फ्रेज तो बता ही देंगे, फ्रेज में लिखना ही लिखना मस्ट है, ठीक है ना, तो सेंटेंस में आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ठीक है, ये सब। अब फिर क्लाउज है, तो क्लाउज भी कर सकते हैं, क्लाउज तो बड़ा हो जाता है ना थोड़ा सा, तो फ्रेज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए और है और होंगे सवाल, शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं सब लोग, एक्नॉलेजमेंट आई थिंक बोलते हैं ना, ठीक है, ग्लोजरी समरी या फिर इंट्रोड्यूस, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है।
तो उसे एक्वन नॉलेजमेंट यानी कि उसको हम लोग नॉलेज यानी कि जागरूक कर रहे हैं ना। शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को थैंकफुल बोल रहे हैं उसको लिखा हुआ कुछ है, विच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा, जो आपको डाटा कलेक्ट करने में मदद करवाए थे, ठीक है ना, तो उनको आप लिख रहे हैं थैंकफुल, तो वही होता है एक्नॉलेजमेंट। तो इतना कुछ टफ देता नहीं है। चलिए इस टाइप का सवाल आपका रहेगा बोर्ड में, जैसे कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नोट रिटेन इन, वही रिपीटेड हो गया आई थिंक सवाल, तो याद रखिएगा किस में, सेंटेंसेस में। चलिए ठीक है, नोट शुड बी कैसा, सिक्वेंशियल, सिक्वेंस के रूप में, सेंसिएबल, समझने योग्य, लेजिकल एंड क्लियर यानी कि सुस्पष्ट साफ सुथरा, और उसके बाद क्या है, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस होंगे, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसी के साथ लास्ट सवाल आपके सामने है कि सैम्बुल आर फ्रीली यूज्ड इन, सैम्बुल हम लोग कहाँ पे फ्रीली यूज करते हैं, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, इसे राइटिंग या फिर नोट मेकिंग, तो कोई भी बता देगा, इतना डिटेल में पढ़ाती है बता दिया नोट मेकिंग, ठीक है। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आप बना लीजिएगा, और अगला मैं लेटर टू एडिटर का कोशिश कर रहा हूँ, उसका मैं आपका बना दूँ, रिविजन करा दूँ, ठीक है। चलिए तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ शेयर एंड सपोर्ट, बिल्कुल दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि आपको प्रिपरेशन अभी से लेकर आगे तक बेस्ट हो, पढ़ते रहें, रिविजन करते रहें, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह करके हमसे डिस्कस करते रहें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।